हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं यार, वो परेशान रहते हैं कि फैदर्स प्रॉब्लम हो रही है पैरेट को, तो अदील भाई कोई हल बताएं। तो ये मेरे पास जो है ये टार्जन बैठा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि इसको टार्जन क्यों कह रहा हूँ मैं, उसकी क्या वजह है कि टार्जन जो है किस वजह से टार्जन है कि इन्होंने अपने सारे बाल जो हैं वो खुद खा लिए हैं। सही है, तो ये डिजीज क्यों आती है पैरेट में ये मैं आपको बताऊंगा। और ये शोशा चला था आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, यूट्यूबर थी नाम में, हाथ यूट्यूबर थी, नई नई आई थी, तो उन्होंने ये शोशा छोड़ा था कि भाई रोटी जो है पैरेट को खिला सकते हैं, पराठा खिला सकते हैं, घर का हर खाना खिला सकते हैं। तो हमने कहा था कि भाई ये चीज़ें जो है वो पैरेट को नहीं दी जाती हैं। सही है, इसके थोड़े से फर बड़े हैं तो इसको मैं अभी पिंजरे में डाल रहा हूँ। सही है, क्योंकि ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा, अगर ये उड़ा तो ये इसको मैं यूँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने ये शोशा छोड़ा था कि भाई घर का खाना खिला सकते हैं। देखिए, अगर ये फूड अगर पैरेट के लिए हो तो अल्लाह मियाँ ने दरख्तों पे भी उगाने, तो सबसे पहले जो है आपने घर का खाना नहीं देना। उसमें क्या क्या नहीं देना मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप इनको चिप्स, बिस्किट, निम्को, चाय, पापा, दूध, डबल रोटी, रोटी, बिरयानी, सही है, इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं दे सकते। टॉफियाँ, चॉकलेट्स, सही है, बेकरी का आइटम, ये कोई भी आप नहीं दे सकते, वरना इनका हाल ही हो जाता है। अच्छा, होता क्या है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सही है, जिसकी वजह से इनके जिस्म पर खारिश होने लगती है। और ये अपने पर नोच नोच के सारे खा लेते हैं, ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसके सारे पर आते हैं और ये अपने पर खा लेता है। सही है, अगर ये चीज़ें हों, इनके लिए हों, तो ये कुदरत ने दरख्तों पे भी उगानी है फिर। सही है, नेचुरल फूड दें आप इनको, फल फ्रूट सब्जी दें। सही है, और बाकी जो चीज़ें नहीं देनी है उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि वो नहीं देनी है, बाकी जो देनी है मैं आपको बताता हूँ। फल इनको हर किस्म के दे सकते हैं। सही है, सब्जियाँ इनको जो है लौकी दे सकते हैं, टिंडा दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, चुकंदर दे सकते हैं, भिंडी दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, एक ओले आते हैं उसके अंदर हरे खोल में होते हैं, उसके अंदर छोले होते हैं, कच्चे छोले वो दे सकते हैं, और जो है कद्दू दे सकते हैं इनको। सही, ये चीज़ें आप इनको दे सकते हैं। बाकी जो चीज़ें नहीं दे सकते वो मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ें आपने नहीं देनी है। अच्छा, आपका पैरेट फ़ौरन सही नहीं होगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। और फिर आपने इनको कोई भी मल्टी वाइटामिन ले लेना है। पाकिस्तान में तो जैसे आता है BMD का मल्टी वाइटामिन है, इस तरह का पैरेट है, तो उसे हफ्ते में 3 बार दें आप, कंटिन्यूसली दें और रेगुलर दे सकते हैं। जो ख़राब बर्ड हैं, जो सही बर्ड हैं, उन्हें आप दे सकते हैं हफ्ते में 2 बार, और जो इस तरह के बर्ड हैं उन्हें हफ्ते में 3 बार दें। प्राइम का आता है मल्टी वाइटामिन, BMD का आता है, कैल्सीलेस आता है, बाकी आपके मुल्क में जिस नाम से भी आता हो, मल्टी वाइटामिन परिंदों को देना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम वो उन्हें सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो जंगलात में मिलती हैं। तो ये मल्टी वाइटामिन जो है नेचुरल सप्लीमेंट से बनता है, और ये इनको देना चाहिए, इनकी डाइट के लिए अच्छा होता है। तो फिर क्या होगा, उससे काफ़ी हद तक जो है आपका पैरेट कवर हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। अगर आपका तोता घर में खुला रहता है, दस्तरखान के टाइम पे आके वो सब कुछ खाता है, आप बोलते हैं नहीं जनाब वो शौक से खा रहा है, तो देखें हमारा बच्चा भी जिंगर बर्गर हो गया, मायो रोल हो गया, ये शौक से खाते हैं, लेकिन आप रोज़ रोज़ तो इन्हें बाहर का फूड नहीं खिलाएंगे ना, तो इसी तरह से वो भी इनके लिए नुकसानदेह होती हैं वो चीज़ें जो ये खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, चाय पापा हो गया, दूध डबल रोटी हो गई, उसकी वजह से इनकी बॉडी पे साइड इफेक्ट आते हैं। कभी कभार अंदर साइड इफेक्ट आते हैं तो वो बता नहीं सकते, बॉडी पे होते हैं तो आपको नज़र आ जाते हैं। तो आपने एहतियात क्या करनी है, ये एहतियात करनी है, इंशाल्लाह इस पर मैं आपको 3-4 पार्ट बना के दिखाऊंगा। इस पर 1000 लाइक करें जल्दी से, तो फिर इसके और पार्ट दिखाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यार टार्जन को मैंने यूँ पकड़ा हुआ है कि इसके पर पूरे हो गए, ये उड़ जाएगा। सही है, तो इसलिए पकड़ा हुआ है, कुछ लोग समझ रहे होंगे जुल्म कर रहे हैं, हम पैरेट को बहुत प्यार से पकड़ते हैं। ये देखिए, ये बोलेगा भी, मिट्टू बेटे तो तकलीफ नहीं होती, देखें बोल रहा है मियां मिट्टू। सही है, तो उम्मीद करते हैं ये टार्जन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, 85% लोग चैनल देख के चले जाते हैं, ये सब्सक्राइब नहीं करते, लाल वरना गुस्से में लाल रह गए, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके पंजे बहुत बने हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे बर्ड्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।